आलीशान बंगले के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। पुलिस की 3 गाड़ियां भी खड़ी थी और साथ ही एक एम्बुलेंस भी। कुछ मीडिया वाले बंगले को कवर करने में जुटे थे। माहौल किसी अनहोनी घटना की तरफ इशारा कर रहा था। बंगले के बाहर खड़े लोग आपस में फुसफुसाते हुए अपने मोबाइल पर बंगले के अंदर की तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहे थे। 2 हवलदार लोगों को बंगले के गेट से परे धकेलने की कोशिश में लगे थे ताकि वो एम्बुलेंस अंदर आ सके। ये बंगला था अभिमन्यु त्रिपाठी का, जो कि एक बहुत ही मशहूर फिल्म कलाकार था। तभी एक न्यूज रिपोर्टर अपने कैमरामैन का इशारा पाते ही जोर जोर से चीखने लगा, यही है वो बंगला जहां इस वक्त बॉलीवुड के उभरते सितारे अभिमन्यु त्रिपाठी की लाश उन्हीं के कमरे में झूल रही है। ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इससे पहले कि वो रिपोर्टर अपनी बात खत्म करता, एक हवलदार ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, ओ भाऊ जरा बाजू में जाके सोचो, हाँ इधर गर्दी नहीं करने का, एम्बुलेंस अंदर आने का रास्ता दो, चलो बाजू बाजू चलो। हवलदार के वहां से हटाने पर वो रिपोर्टर थोड़ा दूर जाकर अपनी रिपोर्टिंग में मशगूल हो गया। हवलदार ने उस एम्बुलेंस को बंगले के अंदर आने के लिए इशारा किया, ये आत्मा दिए लवकर। एम्बुलेंस बंगले के अंदर जाने लगी कि तभी पीछे से पुलिस की एक और गाड़ी आई और बंगले के गेट के पास आकर रुकी। उस पुलिस की गाड़ी में पुलिस कमिश्नर चंद्रकांत कामत बैठा था। कामत की उम्र 45 के आसपास थी और चेहरा रौबदार था। कामत जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरा, सारे मीडिया वाले उसकी ओर लपक पड़े। पास खड़े हवलदारों ने मीडिया वालों को तितर बितर करते हुए कामत के बंगले के अंदर घुसने की जगह बनाई। मीडिया वाले तरह तरह के सवाल हवा में उछाल रहे थे, मगर कामत बिना कोई जवाब दिए बंगले के अंदर दाखिल हो गया। कामत बंगले के अंदर गया और सीधा एक बेडरूम में घुस गया। यहां उसने देखा कि एक इंसान की लाश फंदे से टंगी छत के पंखे से लटक रही थी। आंखें बेजान हो चुकी थी, होठों पर नीलेपन की स्याही जमने लगी थी और शरीर जैसे अकड़ सा गया था। जबान भी दांतों तले दबी आधी बाहर लटक रही थी। यह इंसान था अभिमन्यु त्रिपाठी, उम्र 28 साल, हैंडसम, गुड लुकिंग और माया नगरी का एक उभरता सितारा, जिसके जीवन की लौ अब सदा के लिए बुझ चुकी।